देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। क्या बात है, हमारी आंखन की तारी ऐसी जिगर की टुकड़ा ऐसी ऐसी गुस्सा में लाल लाल काई लग रही। Fathers, your eyes apple looking very very sad, meaning like kind of rotten gones. क्या कह रही? क्या कह रही? पापा मैं ये कह रही हूँ कि आपकी आंखों के नीचे के सेब ना सड़ चुके हैं। कहाँ सड़ गए हैं? वो बाहर आप क्या कह रहे थे? लड़का है तो राजी, लड़की राजी, बोलो अब क्या करना है काजी? पापा आप दूसरी शादी करने के लिए मान कैसे गए? मानने पड़ो बेटा, मानने पड़ो। लेकिन क्यों? वो ऐसो है, दरअसल अम्मा ने हमें कसम दी थी, बकु प्रेशर है तो हमारी खोपड़िया के ऊपर बहुत दबाव है तो हम झेल ना पा रही थी। नहीं नहीं, मतलब ऐसा भी कौन सा दबाव था बापू कि दूसरी शादी के लिए मान गया? ठहर जाओ बेटा, शुक्र मनाओ के हमने तुम्हारन को अपनी कसम ना दी, नहीं तो माँ बाप की कसम को प्रेशर का होते तब तुम अच्छे से जान पाती। अरे पापा ये अंदाजा वंदाजा सब आप छोड़ दो, आप पहले ये बता आप मम्मी को कैसे भूल गए? आपको मम्मी याद नहीं है? आप दूसरी शादी कर कैसे सकते हो? Yes, like how? बेटा एक बात बताएं, कछु ना पूछो हमसे, ये जो तुम्हारी नई अम्मा आ रही ना, हमारी अम्मा की जो नई बहू, बाकी आने की टेंशन में ना हमारी काहे के बटे एम पे ना सोचने समझने की ताकत ना आती, हमारी जो बुद्धि को तेल है वो पूरा निचड़ गो, खत्म हो गो तू। पर तेल तो घुटन की कटोरियन में होतो है, हैं? हाँ तो इस वक्त तो बापू का वैसे भी दिमाग घुटने में नजर आ रहा मन्ने। जब बिटिया में यही से कैसी बातें कर रही, बाप की बुद्धि घुटना? अरे बेटा तुम्हारे हमारी सिचुएशन नहीं समझ रहे। हाँ तो बताओ ना क्या है आपकी सिचुएशन? हमारी सिचुएशन जो है, हमारे दिमाग में जब प्लानिंग चल रही थी कि रज्जू को हम कैसे भी करके अगर जलाएं, जब बस सुनेगी दूर रह के कि जे शादी कर रही नए बच्चन की लाने सौतेली मम्मी ले आ रही तो बस जलेगी। तो हम चाह रहे हैं कि तुम्हारे हमारे प्लान में शामिल हो जाओ और ऐसे दिखाओ बेटा, ऐसे दिखाओगे आहा जशन फुल जड़ियां जल रही है, दिवाली मन गई है, घर में नई मम्मी आ रही है, बकुआ गृह प्रवेश, ऐसा मतलब जशन को माहौल कर दो कि वह पगले आ जाए और दौड़ी दौड़ी आए तुम सबको हमें गले लगा ले। एक सेकेंड एक सेकेंड, तो बाहर वो जो रिश्ता तय भव है वो का है? वो भलैया को ब्याह है। अरे सब नाटक चल लो, तुम प्लानिंग में साथ तो दियो, फिर देखो तुम तमाशा ऐश हो जाएगी कैसी कही। Wow, father, very nice, meaning superb talkings you're doing. Now we used to believing that your knees inside bulb na burnings. क्या कह रही? पापा मैं ये कह रही हूँ कि वाह क्या बात कही है आपने, मतलब आपके घुटनों के अंदर का जो बिजली का बल्ब है ना वो जल रहा है। नहीं तो घुटने में काई जल लो? क्योंकि पापा आपका दिमाग सरक के घुटनों में आ गया है ना। अरे वहां से पानी हटाओ, हटा दो उसको। हाँ बेटा सब काम हो गया अच्छे से? लाइट परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट है, आप नहीं दिख रहे अच्छा। हाँ मस्त दिख रहे। बिंदी कहाँ से खरीदी आपने? लिखा होगा अम्मा गजरा तो ना बाल गड़बड़ हैंगे हमारे। नहीं नहीं अम्मा क्या लग रही है आप, और हम मैचिंग मैचिंग है। हाओ हाओ थैंक यू, तू भी बहुत पारी लग रही है। सब सामान मिल गया ना आपको? हाँ एक मिनट, अरे उसको हटाओ दरी को वहां से। अरे वो हटा, ओहो ये खूबसूरत बला कौन है? समधी जी हम बला नहीं, हम अबला हैंगे। ओहो समधन जी आप, मतलब कसम से मैं आपको देख के एकदम गच्चा खा गया। अरे गब्बर जी कृपया करके वर वधू को बुलाइए। हाँ हाँ बुला रहे हैं। पापा लच्छो और जीजू को मंडप में लेके आना है। हाँ लाना है, किसने कहा? चलो तो तुम चलो बेटा, आगे आगे हम आ रहे हैं ना, चलो। अरे ठीक है जाओ ना। हाँ चलो चलो आपको ले आते चलो। सम
समधी जी, ना का ताड़ रहे हो ऐसे जैसे पहली बार देखो है। समधन जी, आपकी खूबसूरती देख के एक शेर याद आ गया। इरशाद, खूबसूरती ने कहा खूबसूरत से, खूबसूरती ने कहा खूबसूरत से, कितनी खूबसूरत हो तुम। वाह। ऐ खूबसूरत, सच सच बता, इतनी खूबसूरती लाती कहाँ से हो तुम? गुइया के खेत से। वाह वाह। जाइए जाइए, शादी करवाइए। हाँ हाँ हाँ, समधन जी आप नहीं आ रही हैं? अब कहाँ बताएं, समधी जी, हमें तो हपुआ और राजेश को ब्याह याद आ रहा है। कितने चाव से करी हती हमने दोनों की शादी, अब जे तो हम हपुआ की खुशियों के लाने कर रहे हैं। हमें दूर से ही देखने दो, आप कर लो। चाची वहां सामने तो बैठी है, देखो। अरे अम्मा, का मतलब है शादी इतने हो रही है ना, तुम उतने दूर काय बैठी? संधि जी को हमने बताओ है, जाओ बता दो। आ रहे दमान जी, आ रहे। अरे क्या है ना, हुआ यूं, ओम सर्व मंगल्य मंगल्य शिव सर्वार्थ साधि के शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो। यकीन ना हो रहा है कि हम अपने ही पापा की शादी में बराती बने घूम रहे हैं। देख कितने सूट बूट में आएंगे हम। Yes brother, me is also thinking, meaning this bunder happening inside happening our house only by। मेरा मतलब सारी अजूबे वाली चीजें हमारे घर में क्यों होती हैं? अब क्या कर सके दीदी, बापू इतना है हमारा, अलग ही अजूबा है। लगता है परिवार का नामकरण करना ही पड़ेगा, अजूबे की उल्टन पलटन। भगू, ये सब देख के ना हमें बहुत अंदर से घबराहट सी हो रही है। क्यों घबराहट हो रही है? चोमूलाल की दूसरी शादी हो रही है, मतलब कहीं ऐसा खतरनाक घटना हमारे साथ ना हो जाए कभी। घबराहट होनी भी चाहिए ताकि तुम्हें शादी की सालगिरह याद रहे, वरना मैं भी पापा के पास चली जाऊंगी और फिर तुम लिया ना लच्छो जैसी और फिर सात फेरे ले लेना उसके साथ। तुम चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी ये झूठी शादी हो रही है। पर वो तो दोनों खड़े हो जाइए और एक दूसरे को माला पहनाइए। अच्छा अच्छा, आइए आइए। चमची बेटा, ये हार की थाली लाओ। लिया बेटा लिया। हाँ लो। एक दूसरे के हाथ में दे दो। क्या दे दो, रुको अभी। पंडित जी गठबंधन भी कर दें? हाँ हाँ कर दीजिए। लो करो। कर दी जो करने कर दी। आपकी इमोशनल हो रही है, आपकी बेटी क्या है? हो गया पंडित जी, हार पहनाइए, आप लोग एक दूसरे को मुहूर्त बीता जा रहा है। ठीक ठीक, चल 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 चल, पहले आप। मम्मी कहाँ रह गई? चल 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 चल, अरे पहनाओ। अरे ताली मार मेरे। चलो आप तुम चलो, आप सर झुकाओ। चलिए वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। अब वर वधू फेरे शुरू करिए। दादी वहां फेरे हो रहे हैं, आप यहाँ पे अकेले खड़े हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो ना वहाँ पे। तो तू दे देना हमें कंपनी, तू इतने खड़ी रहे। ओम तदेव लगनम सुदिनम तदेव। रे 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 चुमलल। अरे दादा, ना स्पीड ऐसी भी कर, जल्दी है बिटिया भागी ना जा रही है।
अरे इसको फेरे से ज्यादा ना डेरे में जाने की जल्दी है, बहुत लपलपा रहा है। चलो उठा 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 उठा। अरे दादा आया भाई। अच्छा हुआ वर वधु के ऊपर ना गिरे, वरना पहले से जोरू के गुलाम के लक्षण दिखाई देते। तो इस तरह से आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ और आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। आहा हे भगवान, दोनों सुखी रहे, इनको जीवन मंगलमय हो। चलिए अब वर वधु दोनों एक दूसरे को अपने वचन सुनाएंगे। अरे पंडित जी, जरा साथ रहने वालों वचन है ना, वो जरा जोर लगा के बोलवाइयो। कैसे करे? अरे यार, नौ नौ तो बच्चे पैदा कर दिए, उसके ऊपर से बोलोगी कहा करे कैसे करे? अरे यार वो मतलब नहीं है, तुम तो टेंशन ही ना समझ रहे हो, क्या करे वो का मतलब? मतलब अच्छा समझ गए, तुम्हें जो है ना परफॉर्मेंस प्रेशर हुआ है, इसे कहते हैं। नहीं परफॉर्मेंस प्रेशर हमें अरे भैया तो पगला है का? अरे समझ, सुनो क्या है ना, मैच खेलने से पहले अक्सर ऐसा हो जाता है। तू पगला है का? तो कोनो मैच नहीं है यार, जो सुहागरा थे हमारी बुद्धि काम ना कर रही है, हाथरा हुआ यार तू। चोमूलाल देखो, सुहागरा भी ना एक टाइप का मैच है, होता बहुत बड़ा वाला है। यार सुनो, हमने तुझे सोच के प्लानिंग करी थी कि एन मौका पे बिल्कुल शादी होने वाली होगी, हमारी रज्जू बिल्कुल दौड़ती दौड़ती आगे हमें गली लगा लेगी, हमसे लड़ेगी झगड़ेगी, पूरे प्लान पे पानी फिर गो, वो आई ही नहीं है, टाइम ही आई, कितनी निर्मोही हो गई। देखो अब नहीं है तुम्हारे जीवन में जो राजेश आने वाली थी, अब वो नहीं आई, तो मतलब समझ लो कि राजेश आउट और ये लच्छो इन, समझे? अब तुम जो है ना क्या कहते राज कचौड़ी छोड़ के तुम्हें जो है लच्छा पराठा के ऊपर फोकस करना चाहिए, कंसंट्रेट करना नहीं, चाहिए। हमें लच्छो को पराठा नहीं खाने, वो पराठा बहुत हैवी है, वो हजम ना होगा हमें। अरे भैया तुम ये बताओ, तुमको कैसे पता है कि हजम ना होगा? मतलब जब तक तुम खाओगे नहीं पियोगे नहीं, तब तक तुम कैसे बोल सकते हो किसी को कि फलाना चीज जो है हमें हजम नहीं हो रही है? अब सुनो ऐसा बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, खास करके औरतों को ऐसे वेटिंग पे रखना ना, ये अच्छे संस्कारों की निशानी नहीं ना, समझे कि नहीं? तुम जाओ अंदर, संस्कार गए गुइया की खेत में, हमें हमें जाके संग कमरा नहीं बांटने, हम मन अंदर से बिल्कुल नहीं कर रहे कि हम जा कमरा में घुसे भी। अरे भैया अब कमरा क्या बांटना, अब तो जीवन बांटना पड़ेगा, समझे ना? ऑल द बेस्ट, चलो चलो। नहीं अरे क्या कर रहे हो, क्या सोचेंगे लोग? एक बात बताएं, सही सही, हमने हमने कसौटी दी, जो सारू नाटक हमने करो, रज्जू को धमका के धमकाते धमकाते इतने सारू घो हमारे घर में धमाका होगा। नहीं आई ना, नहीं आई, नहीं आएगी। अब कहना तुम्हारे जीवन में बस ये लच्छो ही है, ठीक है ना? अब वो जो है काहे कि प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष को अपनाओ और अपना जीवन सुखमय बनाओ। जाओ जाओ यार, तुम सुनो 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 सुनो, हम बता रहे हैं ऐसे परफॉर्मेंस प्रश्न कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, जो नहीं चाहिए। नहीं नहीं, नहीं, जो नहीं, है? सुनो सुनो, आंसू टेस हुए बहाना बंद करो, और ये जो है ना गपा चिलियो, गपा चिलियो, आकर 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 चबाओ, जोर जोर से चबाओ, हैं हैं, अच्छा लग रहा है ना, ये है स्पेशल पार्ट। सजू तो वैसे ही है जैसे रज्जू के टाइम पे सजू तू। जबाली हमें शुरू से पसंद नहीं है। Thank you.
कैसी हैं आप? जी हम अच्छे हैं। तो फिर ऐसा करो, आप घूंघट खुद उठा लो। लेकिन ये तो पति करते हैं ना, हमें शर्म आ रही है, आप खुद ही उठा लीजिए ना। आओ आओ आओ। अबे उठा ना बेवकूफ, पहली बार कर रहा है क्या? नौ नौ बच्चे का बाप है, पता नहीं क्या नाटक लगा रखा है। जी जी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? हम आपको कैसे बताएं, असल में हम अपनी पहले वाली बीवी से, राजेश से बहुत प्यार करते हैं। अरे जब पहली वाली बीवी से अभी तक प्यार है तो हमसे शादी काहे की है? गुड़िया छिलवाने के लिए बे? बे, आपने हमें बे कह के बुलाओ? ओ हेलो, हम तुम्हें बे कह के ही बुलाएंगे। कि एजी, सुनो जी, ये सब हमसे नहीं होगा, ये सारे ना औरतों के चौंचले होते हैं। औरतों के चौंचले? और तो फिर आप का हो? दिखाएंगे हम आपको कि हम का है। हम जो सोच रहे कि आप लखनवी पान चबाकें बको कानपुर के स्टाइल में, कानपुर के स्टाइल में कैसे थूक रही? अभी थूके नहीं है ना, जब थूकेंगे तो पता चल जाएगा। एक बात बता साले, जब तेरा हमारे से शादी करने का मन नहीं था तो काहे की बे? हमने जब वजह से शादी करी, अम्मा बच्चन की खातिर कर ली, गलती हो गई, हमें आप माफ कर दे, हमारी ये मजबूरी है थी। तेरे लिए होगी मजबूरी, हमारा तो फायदा ही हुआ, बिना भाग दौड़ किए तुझ जैसे केकड़े की शक्ल वाली लुल्ल पार्टी मिल गई। कौन सी पार्टी? लुल्ल पार्टी। मेंढक की जैसी आंखें निकाल के क्या देख रहा है बे? नहीं नहीं, असल में कुछ चला गया क्या आंख में? ओ बदतमीजी की धूल। हम जो कह रहे, हम जो कह रहे, भूल भूल चूक माफ करो बहन जी, हमारा मतलब है भूल चूक माफ करो, चैन से सो जाओ, तुम उधर सो जाओ, हम इतने करवट बदल के सो जाओ बस। इतना जल्दी कैसे सोएगा, अभी तो पूरी रात बाकी है। तो अब का इरादू है आपको? चल शुरू हो जा। बताओ ससुर, रज्जू के साथ में जब शुरुआत भेज दी तो माथा चूमने से, और जब सीधो सीधो पाँव के लाने कह रही चूम लो, रिवर्स में गाड़ी चल रही दादा। ये क्या कर रहा है बे? चूमने को नहीं कहा था, दबाने को कहा था, चल दबा। ओके। अरे दादा, जो ससुर जी ने कैसो अप्पा चप्पा डब्बा थमा। रात कैसी कटी, कट गई ऐसी कटी, ऐसे कैसे कट गई? कट भैया, कल ऐसी वैसी रात थोड़ी ना थी, है सुहाग रात थी तुम्हारी। ऐसे काहे ज्यादा मजा लेके सुहागराट कर रहे हो? तू मैच चटू का? अरे तो सुहागराट एक बहुत बड़के लेवल के मैच के बराबर है तो होता है। ए दरबा जी, खो खो खेले के गिल्ली डंडा तुम यार। हम जूता उतार के मारेंगे, ज्यादा खबड़िया खराब करिए हमारी तो। दूसरे के मामले में पैर डालने की तुम्हारी बहुत बुरी आदत है, हम बता रहे हैं, चोट मत डाला करो, पूछ रहे हैं उनसे। ज्यादा ही वो चटू है, काम कर अपन। बड़ा बंदूक क्या? अरे कछु ना खेलू, ना गिल्ली डंडा खेली, ना खो खो खेलू, ना कबड्डी खेली, कोई ना कछु ना खेलू। ना मतलब का मैच जो एकदम वॉश आउट हो गया है? कैसे? उल्टे पांव दबाने पड़ गए। चुप।
तुम्हें क्या बताएं यार, कल रात की घटना बताएंगे तू हिल जाएगा। बताओ बताओ। अरे ऐसी ऐसी बातें, ऐसी जबान, जैसी खोली बाने जबान, उन्हें बता दे अपनी औकात के बका है। हैं? अरे जितनी संस्कार और जो संस्कारन को पुलिंदा पूरी गठरी बांध के जो ससुर हमाओ कह रहा हो तू ना, माने रात में जैसे ही मुंह खोलू बहनी, पूरी संस्कारन की भरी गठरिया चूल्हे में गई। तुम एक काम करो, तुम फटाक से जो ससुर को फोन लगाओ, बताओ ये सब क्या हो रहा है। लल्ला मेरी बात, अरे सुनो लल्ला मेरी बात सुनो बेटा, ऐसा सुनने स्नान को कछु ना बचो है। पापा तुमने दूसरी शादी करवाई दी है, अब मुंह बंद करो। अरे लेकिन उसको ससुर जी,